बनपा के खस्ता हालात, आर्थिक स्थिति के कारण ठेकेदारों के बकाया बिल कई माह से अदा नहीं किए गए। इससे बकाया बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गया है। बकाया नहीं मिलने से विकास कार्य ठप पड़े हुए। ठेकेदार संगठन ने बनपा आयुक्त राधा कृष्णन और स्थायी समिति अध्यक्ष विजय छलका को ज्ञापन सौंपकर बकाया अदा करने की मांग की। यात्रियों की सुविधा एवं लंबी प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 02-57-3, 02-57-4 गांधीधाम खुर्दा रोड गांधीधाम के बीच सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की 2 फेरियां चलाई जाएगी। अब कोविड का डर व्यापारियों को भी सता रहा है। संक्रमण न हो इसके लिए कुछ बाजार तय अवधि के लिए बंद करने का निर्णय कुछ व्यापारिक संगठनों ने लिया। ऐसे ग्राहक और व्यापारियों के सीधे संपर्क में न आने से कोविड संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी। हेरिटेज संवर्धन समिति ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐतिहासिक कस्तूरचंद पार्क का वैभव है। पार्क के पुरातन वास्तु के जतन संवर्धन के लिए रखरखाव का काम आवश्यक है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करना आवश्यक है। इसके लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की नियुक्ति कर रिपोर्ट समिति पेश की गई। रियल एस्टेट कारोबारियों की मांग के विपरीत राज्य सरकार ने रेडी रेकनर जमीन के सरकारी मूल्य की दरों को बढ़ा दिया है। राज्य में औसतन 1.74% की वृद्धि की गई। मनपा अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शुक्रवार को वर्धा रोड साई मंदिर परिसर के 3 छोटे-छोटे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई की। कुछ अतिक्रमण शनिवार को तोड़ा जाएगा। इसके पहले मंदिर परिसर के दुकानदारों ने मनपा की कार्रवाई रोकने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया था। केंद्रीय टीम ने जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। टीम ने शुक्रवार को जिले के कामठी पारशनी मौजा तहसील के प्रभावित गाँव पहुँच कर सीधे किसानों से बात की। नागपुर जिले में कोविड संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को 2060 नए पॉजिटिव मिले जबकि 53 संक्रमितों ने जान गंवा दी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने के बीच यह जानकारी सामने आई कि नागपुर में छत्तीसगढ़ के भिलाई एवं मध्य प्रदेश के इंदौर से लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच रही है। अपर जिलाधिकारी श्रीकांत फड़के ने स्पष्ट किया कि भिलाई के स्टील प्लांट से रोज 1 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। कोविड की हुई कुल जांच और ऑनलाइन पंजीयन में अंतर सहित कई अनियमितताएं मिलने पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के आदेश पर शहर के 3 निजी लैबों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें रामदास पेट की ध्रुव पैथोलॉजी, सुविश्वास लैब और धंतोली स्थित मेट्रो लैब का समावेश है।